इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी गेम में आ चुका है सैंड स्ट्रॉम, जिससे पूरा शहर पूरी तरह से रेत से भर चुका है और शहर में रेतीला मोस्टर सैंड गोलम भी आ चुका है, जो कि लोगों को जान से मारकर उसके बाद वो मस्ती से डांस करता है भाई। इसलिए आज फ्रैंकलिन सुपरमैन बनकर अपने घर को उड़ाकर किसी और सिटी में ले जाने वाला है। आओ जानते हैं फ्रैंकलिन सुपरमैन कैसे बना। अरे यार, हमारे घर में इतना धूल कैसे घुस रहा है भाई? अबे यार, बहुत ज्यादा आंधी आ गई हमारे शहर में और भाई देखो, सिर्फ धूल ही धूल है हमारे शहर में। अरे यार, ये क्या हो रहा है गाइज? एक मिनट, ये क्या, हमारा शहर तो रेत से भर चुका है। यहाँ पर सिर्फ रेत और रेत, और ये देखो यहाँ पर तो टोर्नाडो भी आ चुका है। अरे भाई साहब, यहाँ पर पूरा शहर रेत से भर चुका है गाइज, और हमारा शहर पूरी तरह से भाई बर्बाद हो चुका है। देख सकते हो हर जगह सिर्फ रेत ही रेत है और टोर्नाडो, और भाई धूल ही धूल उड़ रहा है। गाइस यार, हमारा शहर पूरी तरह से रेत से भर चुका है। एक काम करता हूँ, मैं अपने शहर में गांव जाता हूँ, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है भाई, वहाँ जाकर देखता हूँ कि वहाँ का क्या हाल है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी ट्रैक्टर लेता हूँ भाई। चलो यार, इस ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं गाइस शहर गांव में और देखते हैं कि क्या क्या हुआ गांव में। चलो भाई, फटाफट जाकर देखते हैं कि शहर में हमारे गांव में क्या क्या चल रहा है भाई। वहाँ मेरा दोस्त रहता है गाइस, पता नहीं भाई उसका घर द्वार बचा है कि नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर देख सकते हो गाइस क्या ही टोर्नाडो आया हुआ भाई। एक काम करता हूँ, इधर से चलता हूँ भाई। मैं रेत में चल रहा हूँ, देख रहा है रेत सब कैसे हिल रहा है भाई। पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मौसम आ चुका है गाइस, लेकिन भाई गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा तो सिर्फ रेगिस्तान इलाके में होता है, लेकिन हमारा शहर तो पूरा हरा भरा था, फिर भी हमारा शहर ऐसा हो गया। अबे यार गाइस, यहाँ पर भी कुछ बड़े टोर्नाडो और छोटे टोर्नाडो भी है, और देख सकते हो भाई पूरी तरह से रेत। ओ भाई साहब, हमारे शहर के बीच वाले एरिया में भी पूरी तरह से रेत वगैरह आ चुका है। देख सकते हो भाई, ये हमारा गांव है, लेकिन गाइस यहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, और भाई गांव के बाहर बाहर पूरी तरह से रेत है, और वहाँ पर देख सकते हो गाइस वो जो बड़ा सा बिल्डिंग है वहाँ भी पूरी तरह से रेत भर चुका है भाई। अबे यार गाइस, एक मिनट गाइस, वहाँ पर वो बड़ा सा कुछ पत्थर वगैरह है भाई, और वहाँ पर दो लोग भी है जो कि उसे देख रहे हैं भाई। इतना बड़ा पत्थर कैसे आया? अबे भाई साहब, ये देखो गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर है ये तो। अबे यार, इतना बड़ा पत्थर हमारे शहर में कैसे आ गया गाइस? गाइस यार, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, ज़रूर बहुत बड़ी आंधी आई होगी तभी जाकर ये बड़ा पत्थर हमारे शहर में आया है भाई, कहीं से उड़कर आया भाई, इतना ज़ोर ज़ोर से आंधी चल रहा है। एक मिनट, ये खड़ा क्यों हो रहा? अबे ये तो सैंड गोलम है, और ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, और इसने उसे, अबे यार उन दो लोगों को मार दिया इसने, और ये तो डांस कर रहा है भाई। गाइस यार, ये सैंड गोलम उन दोनों लोगों को मारकर डांस कर रहा है, यानी कि भाई हमें तो अब शहर खाली करना पड़ेगा, वरना भाई ये सारे लोगों को मार देगा गाइस। ये तो मुझे भी मार देगा, इसने मुझे देखा नहीं अभी तक। अबे यार, ये मारकर डांस भी करता है गाइस। अबे यार, भागो भागो भाई, घर भागो। गाइस यार, मुझे नहीं पता था कि भाई हमारे शहर में रेत तो आया है, तूफान तो आया है, लेकिन साथ में भाई सैंड गोलम मॉन्स्टर भी आ चुका है, और गाइस तुम लोगों के सामने उसने दो लोगों को जान से मार दिया। गाइस आप लोगों ने जरूर देखा होगा भाई। गाइस यार, मैं फटाफट घर भागता हूँ भाई, ऐसा ना हो कि वो मुझे मारने के लिए आ जाए। अबे यार, एक मिनट, उड़ाना मत भाई, यहाँ पर बहुत जोर की आंधी है, टोर्नाडो, बहुत बड़ा टोर्नाडो है। ओके, फाइनली घर आ गया, चलो घर के अंदर चलते हैं। अरे रुक जा ट्रैक्टर भाई, ये ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है गाइस। चलो, घुस जा। चलो भाई, फटाफट घर के अंदर चलता हूँ गाइस, और कुछ आइडिया सोचता हूँ भाई कि मुझे उस सैंड गोलम से कैसे बचना है, क्योंकि भाई उसे हम नहीं मार सकते गाइस, क्योंकि हमारे शहर में सैंड गोलम को मारने का कोई तरीका ही नहीं है भाई, तो किसी तरह से तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देख सकते हो भाई, सिर्फ आंधी ही आंधी है यार, अभी मौसम तो और भी ज्यादा खराब हो चुका है भाई, चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है गाइस। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक काम करता हूं गाइस, मेरे पुराने घर में चलता हूं, वहां में मेरे कुछ भाड़ेदार रहते हैं, तो उससे बात करता हूं कि क्या किया जाए गाइस, देखता हूं भाई वो लोग क्या बोलते हैं। चलो यार, फटाफट मैं अपनी इस गाड़ी में बैठता हूं गाइस, इस गाड़ी में मैं अपना सामान धोया करता था, मतलब कुछ भी लाऊं तो इस सामान में ले आता था इसी गाड़ी में,
चलो यार फटाफट चलते हैं पुराने घर में और देखता हूँ कि मेरे भाड़ेदार लोग क्या कर रहे हैं। अबे यार रास्ता भी कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा गाइस, यार सच बता रहा हूँ ये तो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं भाई इसी तरह से गाड़ी चला रहा हूँ, बस सामने जा रहा हूँ हल्का सा तो हल्का सा नज़र आ रहा है गाइस। अरे भाई साहब देख रहे हो ये मेरे पुराना घर आ गया। अबे एक मिनट, यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर क्यों मंगा के रखा है मेरे भाड़ेदार लोग ने? एक मिनट भाई यहाँ पर रुकता हूँ, देखने दो भाई ऐसा क्या हुआ यहाँ पर। अबे यार ये हेलीकॉप्टर क्यों ले आया है और इस हेलीकॉप्टर में भी धूल लग गई भाई। अरे भाई तुम हेलीकॉप्टर क्यों ले आए भाई बताओ? अरे फ्रैंकलिन तुम्हें नहीं पता है हमारे शहर में सैंड गोलम आ चुका है और हमारा शहर पूरी तरह से रेत से भर चुका है, तो इसीलिए हम अपने घर को उठाकर ले जाने वाले हैं कोई और सिटी में। अच्छा ऐसा बात है क्या? तो गाइस यार ये इस घर को उड़ा कर ले जाने वाला है कोई और सिटी में, लेकिन भाई इसके पास तो बहुत सारा पैसा है इसलिए इसने हेलीकॉप्टर मंगवा लिया, लेकिन यार मेरे पास तो पैसा नहीं है भाई। अरे भाई तुम अपना हेलीकॉप्टर दोगे क्या? मैं अपना घर भी उड़ा के ले जाऊंगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन ये मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर है, मैं किसी को नहीं दे सकता। अरे यार यार मेरे भाईदार भी भाई कोई किसी काम के नहीं है गाइस, यार देखो इस घर को उड़ा कर ले जाने वाले हैं। वैसे भाई तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है जो तुम अभी इससे घर उड़ाने की बात कर रहे हो? अरे फ्रैंकलिन तुम्हारे दो भाईदार को मार दिया उस सैंड गोलम ने, जाकर घर में देखो। हैं ऐसा बात है क्या? अब एक मिनट जाकर देखूं तो भाई। अबे यार गाइस सच में ये देखो मेरा ये एक भाड़ेदार मरा पड़ा है यहाँ पे, और एक भाड़ेदार किधर है? एक मिनट घर के अंदर है क्या? गाइस यार मेरे भाड़ेदार को मार दिया भाई। अबे यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस मैं क्या करूँ भाई, क्योंकि यार ऐसा सिचुएशन आ गया ना मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक काम इससे कुछ आइडिया पूछता हूँ। अरे भाई तुम्हारे पास कुछ आइडिया वगैरह है क्या कि जिससे मैं अपना घर उड़ा कर ले जाऊं? अरे हाँ फ्रैंकलिन तुम सुपरमैन बन जाओ जिसके बाद तुम अपने घर को उड़ा कर ले जा सकते हो। अबे यार पागल है क्या, मैं सुपरमैन कैसे बनूं भाई? मेरे पास सूट वगैरह नहीं है ना सुपरमैन का। अरे फ्रैंकलिन मैं तुम्हें बताता हूँ ना सुपरमैन का सूट कहाँ मिलेगा, तो मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम्हारे मोबाइल में लोकेशन भेज रहा हूँ, जाओ ले आओ सुपरमैन को सूट को और पहन लो और अपने घर को उड़ा कर ले जाओ। अरे अरे थैंक यू सो मच, ठीक है एड्रेस भेज दो मेरे मोबाइल में। तो गाइस यार ये मेरा एक भाड़ेदार था जो कि भाई मेरे इस घर को खरीद ले जाएगा, मतलब मुझे पैसा दे देगा लेकिन ये हेलीकॉप्टर से ले जाएगा इससे उड़ाकर। तो यार मैंने सोचा है कि चलो मैं अपना भी घर उड़ाऊंगा। तो गाइस ये मुझे कुछ लोकेशन भेजने वाला है कि मुझे सुपरमैन बनकर अपने घर को उड़ाना पड़ेगा। तो यार लोकेशन तो ये घर वाले मोबाइल में भेजा होगा, मेरा मोबाइल घर में ही छूट गया। चलो यार फटाफट मैं घर चलता हूँ। अबे यार किधर से जाना है? अच्छा इधर से जाना है, यार नज़र नहीं आ रहा मुझे कुछ। चलो यार फटाफट घर चलता हूँ, इसने लोकेशन मेरे मोबाइल में भेज दिया होगा भाई। फटाफट देखता हूँ कि क्या लोकेशन है और कैसे क्या क्या करना है मुझे जिससे मैं सुपरमैन बन जाऊँ। ये पे मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ गाइस, चलो फटाफट अंदर चलते हैं भाई। चलो भाई मैंने लोकेशन देख लिया गाइस मोबाइल पे। तो गाइस पहला बॉडी सूट है पेट्रोल पंप के पास, लेकिन गाइस वहां पर बहुत पुलिस वाला है जो कि उस सूट को अभी ले जाने वाला है हेलीकॉप्टर में। तो यार मुझे फटाफट जाना पड़ेगा गाइस और उन लोगों को मारना पड़ेगा पुलिस वालों को, और मुझे फटाक से सुपरमैन का सूट लेना पड़ेगा बॉडी सूट, और गाइस उसके बाद में उसे पहनूंगा और भाई देखता हूँ कि क्या क्या मुझे लेना पड़ेगा। चलो यार फटाफट चलता हूँ पेट्रोल पंप। अबे यार मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा गाइस। वैसे गाइस आप लोग कमेंट में बताना क्या आपको मेरा वीडियो गुड लगता है या फिर बैड, यार कमेंट में जरूर बताना ठीक है। चलो यार फाइनली मैं यहाँ तो आ चुका हूँ कि गाइस तो देख सकते हो भाई वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। और गाइस मैं आपको एक काम करता हूँ इससे दिखाता हूँ, रुक जाओ देख लो भाई स्नाइपर से। ये देखो एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ है और यहाँ पर गाइस ये है सुपरमैन का बॉडी सूट जिसको मैं इन पुलिस वालों को मार कर ले सकता हूँ गाइस। और यहाँ पर देख सकते हो भाई ये रहा एक हेलीकॉप्टर जिसमें ये लोग ले जाने वाले हैं। तो गाइस एक काम करता हूँ मैं इधर से छिप कर मारता हूँ भाई एक पुलिस वाले को, रुक जाओ एक काम करता हूँ इसको मारता हूँ, मैं सबसे पहले इस वाले पुलिस वाले को मारता हूँ। ये ले छुप जाओ। अरे भाई साहब सारे लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया गाइस, अब मुझे गन चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ भाई गन चेंज करता हूँ एक मिनट। ये ले फाइनली ये मर चुका है अभी और भी। अब यार देखो ये आ रहा, ये ले। अरे यार नहीं भाई साहब ये लोग तुरंत हमला करने लगते हैं। अबे यार ये देखो, अरे ये पुलिस वाला अबे यार ये लोग सीधा हमला करने लगे। रुक जाओ मुझे बच कर मारना पड़ेगा भाई, मुझे बच, वो रहा सुपरमैन का सूट। अबे यार नहीं पुलिस वाले देख लिए मुझे। अरे यार रुक जाओ इन लोगों को ख़त्म करना ही पड़ेगा, मुझे समझ में आ गया मुझे। ये ले फाइनली अबे और कोई पुलिस वाले हैं? रुक जाओ इधर 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 ये ले
फाइनली गाइस सारे पुलिस वालों को मैंने साथ से मार दिया है। एक मिनट देखने दो भाई, कोई भी पुलिस वाला नहीं रहना चाहिए गाइस, वरना मैं भी मारा जाऊंगा। ओके यार, तो इस पुलिस वाले को भी मैंने मार दिया, सारे पुलिस वाले सिक्योरिटीज मारे गए। और ये रहा गाइस एक हेलीकॉप्टर जिसमें ये सुपरमैन मैन के सूट को ले जाने वाला था, बॉडी सूट को। देख सकते हो गाइस, ये है बॉडी सूट। चलो यार फटाफट इसको हम अपनी गाड़ी में डालते हैं गाइस। और एक काम करता हूँ, इस भाई इस बड़े से एयर जहाज को उड़ाता हूँ मैं। ये ओके, फाइनली ये उड़ चुका है भाई। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी सबूत बचे, ऐसा लगेगा कि पुलिस वाले इस हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट होने से मर गए। चलो यार फटाफट मैं अपनी गाड़ी को लाता हूँ और इसमें डाल लेता हूँ उस बॉडी सूट को। ओके यार, चलो फाइनली मैंने इसको गाड़ी में डाल लिया है बॉडी सूट को। अब गाइज जाना है मुझे लोअर सूट यानी कि पैंट सूट लाने के लिए, जो कि गाइज मुझे मिलने वाला है कंस्ट्रक्शन एरिया में। लेकिन गाइज वहाँ पर भी बहुत सारा पुलिस वाला होने वाला है, तो गाइज मुझे उससे फिर से फाइट करनी पड़ेगी भाई। यार गाइज उन लोगों को मतलब मैं समझाऊंगा ना अगर कि मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, दे दो सूट तो मैं बचा अपने घर के ले जाऊंगा, तो गाइज वो लोग नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए मुझे मजबूरन मारना पड़ रहा है। अबे यार गाइज कंस्ट्रक्शन एरिया कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई, इतना धूल आ गया हमारे शहर में। चलो यार फाइनली मैंने तो इस सुपरमैन के बॉडी सूट को ले लिया भाई। ओके इधर इस साइड से कंस्ट्रक्शन एरिया। ओके गाइज ये रहा सामने भाई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा गाइज, कुछ भी नजर नहीं आ रहा बोले तो। चलो यार फटाफट मैं अपनी गाड़ी को किसी सेफ जगह पे रोकता हूँ गाइज, इधर रोकता हूँ ताकि वो लोग मेरी गाड़ी को ना ब्लास्ट कर दे। ओके यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को रोकता हूँ गाइज, और यहाँ से मैं देखता हूँ कि एक मिनट, यहाँ पर से मुझे बहुत सारा पुलिस वाला नजर आ रहा है गाइज। एक मिनट गाइज, वहाँ पर वो रहा पेंट सूट। एक काम करता हूँ पीछे जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ, वरना ये लोग मेरे ऊपर हमला करने लगे जाएंगे भाई। एक काम करता हूँ इसके पीछे आकर आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइज यहाँ पर ये पेंट सूट रखा हुआ है, ये देखो भाई इसको मुझे लेना है, लेकिन इन पुलिस वालों को मुझे मारना पड़ेगा। एक काम करता हूँ यहाँ से एक को लुढ़काता हूँ। ओके ओके, शायद से नहीं देखा है उसने, ओ भाई साहब उसने देख लिया शायद से, या फिर नहीं। एक मिनट जूम करने दो, शायद से देख लिया है उसने, मुझे तो ऐसा ही लग रहा भाई। एक मिनट वो नजर नहीं आ रहा अभी। अच्छा अच्छा ये रहा, अरे भाई साहब ये तो मारना शुरू कर दिया। ये ले फाइनली गाइस वो तो लुढ़क गया, और पुलिस वाले ना हो भाई। अरे भाई ये रहे पुलिस वाले, रुक जाओ इन लोगों को शॉर्ट गन से मारूंगा भाई। ये ले, ओके फाइनली गाइस इससे तो लुढ़का दिया मैंने, और देखना पड़ेगा और पुलिस वाले ना हो भाई। अबे यार नहीं 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 नहीं, ये ले फाइनली ये भी पुलिस वाला गया। और भी पुलिस वाले हैं क्या यहाँ पे भाई, देखना पड़ेगा मुझे। अबे नहीं ये रहा, ये ले अबे नहीं 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 नहीं, मरा नहीं ये, मरा नहीं। ओके फाइनली नहीं, ओके फाइनली मर चुका है ये शायद से, रुक जाओ एक बार और मारता हूँ गाइज। यार फाइनली ये तो मर चुका है, अब और पुलिस वाले शायद से होंगे। एक मिनट ये रहा, इसको पता भी नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। ओके ये तो गिर के ही मर गया भाई, चलो इसको ज़्यादा मारना नहीं पड़ा। तो गाइज ये रहा, देख सकते हो ये रहा गाइज हमारा बॉडी लोअर सूट, देख सकते हो भाई क्या ही मस्त है गाइज। चलो फटाफट इसको भी गाड़ी के डिग्गी में डालते हैं गाइस। चलो यार फाइनली इसको भी मैंने डाल दिया इस गाड़ी में। अब गाइस मुझे चाहिए आखिरी चीज, वो की है सुपरमैन का लोगो, जो कि गाइस इस चिंपांजी के पास है, और वो चिंपांजी इस बिल्डिंग के ऊपर है। तो गाइस यार उस चिंपांजी के पास मुझे लेना पड़ेगा भाई, वो अपने आप को सुपरमैन समझ रहा है, वो जरूर चोरी कर लिया होगा भाई, सुपरमैन का लोगो चोरी कर लिया होगा। अबे यार ये मैं किधर जा रहा हूँ, वो सुपरमैन का लोगो चोरी कर लिया होगा और सोचता होगा कि मैं सुपरमैन बन जाऊंगा इसे पहनकर। चलो यार फटाफट उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, वो भी जरूर उस बिल्डिंग के ऊपर गया होगा सैंड गोलम को देखकर भाई, उस मॉन्स्टर को देखकर, मुझे तो ऐसा ही लग रहा। बस भाई उस बिल्डिंग में मैं किसी तरह से पहुंच जाऊं। तो गाइज ये एक आखिरी रास्ता है बिल्डिंग में पहुंचने का, चलो मैं यहाँ से गाड़ी को अपनी चलाता हूँ भाई, स्पीड में मुझे जाना पड़ेगा गाइज, तभी मैं पहुँच पा सकूँगा। एक काम करता हूँ पहले, ओके मैं सीधा कर लेता हूँ, ओके अब पीछे से आता हूँ भाई, स्पीड से आऊँगा तभी मैं वहाँ चढ़ा पाता हूँ। ओके तो यहाँ से अगर स्पीड में ले जाऊँगा तो भाई ये गाड़ी चढ़ जानी चाहिए, ये रास्ता बहुत खतरनाक है गाइज, मुझे यहाँ तक जाना चाहिए। प्लीज़ पहुँच जा। फाइनली गाइस यहाँ तक तो गाड़ी आ चुकी है, चलो भाई अब ऊपर चलते हैं और उस चिंपांजी को किसी तरह से मनाते हैं भाई, वो चिंपांजी मानेगा कि नहीं पता नहीं गाइस। चलो यार उसके पास चलते हैं, यहाँ तक तो आ चुका हूँ। एक मिनट गाड़ी को यहीं पे रखता हूँ मैं, वरना भाई ऐसा ना हो कि वो गाड़ी देखकर भागने लगे, वो सोचे कि सैंड गोलम आ गया गाड़ी चला के। चलो भाई ऊपर चलते हैं फटाफट, चढ़ जा। तो भाई ये रहा वो चिंपांजी, देख सकते हो भाई सुपरमैन का लोगो इसने अपनी छाती में लगा लिया है।
अरे चिंपांजी भाई मेरी, अबे यार इसको मैं अपनी भाषा कैसे समझाऊं यार। अरे फ्रैंकलिन बोलो, मुझे सब चीज समझ में आता है, मैं एक इंसानी चिंपांजी हूँ। अच्छा ऐसा बात है क्या? अरे भाई ये तो बोलने जानता है। अरे भाई एक काम करो, इस सुपरमैन का लोगो मुझे दे दो, मैं इसे लगाऊंगा और सुपरमैन बन जाऊंगा। मेरे पास इसका सूट भी है जिसके बाद मैं अपने घर को उड़ाकर ले जाऊंगा, और प्रॉमिस है कि तुम्हें भी उसमें बिठा कर ले जाऊंगा भाई। अच्छा फ्रैंकलिन, तो तुम सुपरमैन बनने वाले हो? यार मैं तब से सोच रहा हूँ कि मैं सुपरमैन क्यों नहीं बना, मैंने तो इस लोगो को सिर्फ लगाया है। अच्छा उसके लिए सूट भी पहनना पड़ता है? अरे हाँ हाँ चिंपांजी, तुम्हें कुछ नहीं पता है भाई, एक काम करो फटाफट मुझे इस लोगो को दे दो। ठीक है फ्रैंकलिन, ले जाओ ले जाओ। ओके यार गाइस ये तो मान गया है, चलो यार फटाफट इस लोगो को लेते हैं और गाइस मैं बन जाता हूँ सुपरमैन और देखता हूँ कि भाई अपने घर को उड़ाकर मैं ले जा सकता हूँ कि नहीं, और इसे भी मुझे ले जाना पड़ेगा गाइज। फाइनली गाइज मैं बन चुका हूँ सुपरमैन, देख सकते हो भाई मैं आसमान में उड़ रहा हूँ गाइज, और बहुत ज्यादा मजा आ रहा मुझे उड़ने में। चलो यार अपनी यहीं पे मैं खड़ा होता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे नीचे चलता हूँ गाइज, और ये रहा चिंपांजी जिसने मेरी मदद की है गाइज सुपरमैन बनने में। ये देख सकते हो भाई इसी के पास वो लोगो था जिसके कारण मैं सुपरमैन बन चुका था। तो चलो यार फटाफट मैं अपने घर में चलता हूँ इसको लेकर, और गाइज मैं जल्दी से अपने घर को उड़ा कर ले जाता हूँ GTA 5 की सिटी में। चलो भाई इसको ले जाते हैं साथ में। ओके तो इसको मैंने अपने कंधे में बैठा लिया भाई, कंधे में बैठा कर उड़ा रहा हूँ। चलो यार मैं अपने घर चलता हूँ, ये रहा नीचे, नीचे तो आ गया लेकिन इधर मेरा घर है। एक मिनट भाई कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा गाइज, देखता हूँ मेरा घर किधर है। ओके गाइज इस साइड मेरा घर है भाई, इसको मैंने कंधे पे बैठा लिया गाइज। यार ये बहुत ज्यादा भारी है लेकिन गाइज क्या कर सकता हूँ, अबे मरना मत है। ओके यार तो मैंने इसको अपने घर ले आया, चलो यार फटाफट मैं अपने घर को उड़ा कर ले जाता हूँ GTA 5 में। ओके गाइज तो मैं अपना घर लेकर फाइनली उड़ चुका हूँ, अब मैं चलता हूँ GTA 5 के शहर में और वहां पर मैं अपना घर को रख दूंगा किसी और जगह में जमीन लेकर। तो यार आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो गुड लगता है या फिर बैड, कमेंट में जरूर बताना।